मैं अनुरोध करती हूँ सरकार से, जितने भी वहाँ पे मंत्री, जितने भी नेता, मंत्री पदाधिकारी हैं, जितने भी सरकारी नेता, जितनी जिनकी पेंशन आती है, तो इतना ये कानून होल्ड पे है तो उनकी सैलरी भी होल्ड पे करी जावे। अनुरोध करते हैं उनकी सैलरी भी होल्ड पे करी जावे, कानून होल्ड पे तो करी दिए, कोई बात नहीं। कष्ट सा तो हो रहा हमें, हम उम्मीद कर रहे थे कि हो जाएंगे, रद्द हो जाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन हमारा हौसला ऐसे ही बुलंद है और उम्मीद की सैलरी होल्ड करी जावे और हम अपना आंदोलन कर रहे हैं आराम से। मैम कुछ ऐसी सूचनाएं आ रही हैं कि कुछ जो किसान संगठन के जो कुछ नेता हैं वो भी कुछ इस बात से सहमत है कि होल्ड पर रहेगा। कौन से हैं भैया वे नेता? मैंने तो पढ़ा नहीं किसी को, ना मैं समर्थन करती ना मैंने पढ़ा। मतलब कुछ नेताओं की नरमी नजर आ रही है मैडम? कौन से हैं वे नेता? अगर उनकी नरमी नजर आ रही है तो वो उनका काम है, जो मेरा काम है, जो इनका काम है वो ये कर रहे हैं। लेकिन जिनकी नरमी नजर आई है, मैंने उनका कुछ भी ऐसा स्टेटमेंट पढ़ा नहीं। अगर उन्होंने नरमी दिखाई है तो दिखाने दो। तो हम भी तो अनुरोध करते हैं कि डेढ़ साल दो साल के लिए होल्ड कर दो इनकी सैलरी। अगर प्रस्ताव उन्हें मंजूर नहीं था तो कल क्यों नहीं मना करा, जैसे हर बार वो मना कर देते हैं? तो हमने क्यों टाइम मांगा फिर? अरे टाइम उन्होंने मांगा तो हम आंदोलन के लिए थोड़ी मना करा उन्होंने, ठीक है उनकी बात भी। अब हम ना बात मानते तो तुम लोग कहते कि किसान नेता कुछ नहीं मान रहे, किसान कुछ नहीं मान रहे। अब थोड़ी सी नरमाई अगर उन्होंने दिखा दी है, अब तुम यह बात का भी ऑब्जेक्शन कर रहे हो? कहा माने और आप सुप्रीम कोर्ट की नहीं मानते? कहा ना मानी सुप्रीम कोर्ट की? हमने सराहना करे उनके काम को, कहा नहीं मानी हमने सुप्रीम कोर्ट की? बताओ सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई, कहा मानी? कमेटी किसकी ही? वो सरकारी बंदे थे ना उसमें। अब जब मुद्दा किसानन का ही और सरकार का चल रहा तो उनकी ये हमारे बड़े नहीं मानने को तैयार, तो मैं स्पेशल मानू? मेरे लिए ये दंड है इस बात का, मैं स्पेशल मानूं? जब ये मान जाएंगे मैं मान जाऊंगी? आप भी तो किसानों में ही है ना? हाँ तो किसानों में ही हूँ। जब बंदे ही वे बैठा दिए जिनसे हम बात कर रहे हैं, जिनसे हम इस बात को अपनी मनवानी चाह रहे, आदमी वे बैठा दिए, उसमें कौन मानेगा? अगर आपके लोग हों कमेटी में तो हम मान जाएंगे। जो हमारे नेता है, किसान नेता, जो हमारे ऐसे ऐसे बाबा है, इन्हें बैठावे कमेटी में, बाबा को बैठावे, हम तो बाबा की बात मान लेंगे। कल तो कहा कृषि मंत्री ने कि कमेटी बना देंगे, आपके भी क्या लोग होंगे, हमारे भी लोग होंगे। तुम अपने इनका कहा करोगे? क्यों कहा करेंगे वे अपने इनका? भाई हम हमारा मामला यू तो हम यहाँ निपटाने की चाह रहे हैं, तुम अपने ने क्यों बैठाना चाह रहे हो? तुम्हारे इनकी राय तो यू है, यू पक्ष में है वे, तो हम तुम्हारी राय काय को ले में? भाई वे तो पक्ष में है इस कानून के, तो हम उन्हें बैठा क्या करेंगे जो पक्ष में? हम उन्हें तो बैठाएंगे जो भी पक्ष में इस कानून के, जिनको नुकसान नजर आ रहे हैं उन्हें तो बैठाएंगे बड़े भाई। सरकार कोई मतलब नहीं फिर? सरकार को इतने मतलब है, सरकार ने बेमतलब की जब ये कानून बनाए, जब ऐसे ऐसे ने बिठाया, जब उन्होंने नहीं बिठाया तो हम उन सहयोग करने वाले व्यक्तियों को कैसे बिठा सके? लेकिन मैडम वही है ना, ये जिका है एक सिस्टम से चलता ना, आपने इन्हें बैठाने के लिए नहीं, दूसरे लोग भेजे हैं वहाँ। अब हमें थोड़ी सलाह देने के लिए, अब हमें थोड़ी पता ही भैया वे दूसरे लोग अपनी कुर्सी की इतनी फिक्र करेंगे, हमें थोड़ी पता ही। देश का किसान तो बड़ा भोला हो, भोले भंडारी की तरह हो, जल्दी विश्वास कर ले, हमें थोड़ी पता ही ऐसा बात हो जाएगी, ऐसा पेच फंस जाएगा इतना कह रहा। अगर वे ही लोग इस बात को मानते कि किसानों के ये हित में नहीं है तो शायद हम लोगों को नहीं आना पड़ता, फैसला मक्का ही हो जाता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो ये कमेटी बनाई थी वो फैसला सुनाने के लिए नहीं है, जैसे उनका, किसानों का और सरकार का, यानी हमें तक कुछ आए जो भी है राय, बस राय लेने के लिए कमेटी, राय के लिए। जब ये राय उन सरकारी आदमी से लेना नहीं चाहता किसान, तो खामखा राय फ्री की तो नुकसान दे ना, दे सकते हो ना आप अपनी राय बता? अरे इतने देश में बात राय फैल नहीं रही, पूरी विदेशन में बात फैल रही, किसान आंदोलन चल रहा है, यूं नुकसान हो रहा, हम यूं राय रख रहे हैं, ये काले कानून रद्द करो भाई, रद्द करो, रद्द करो, MSP पे कानून बनाओ। ये बात पूरे विदेशों में पहुंच गई, पूरे देश में पहुंच रही है, क्या उन तक नहीं पहुंच रही है? ऐसी बात करो आप भैया। मैडम सरकार ने ये कहा जो अटॉर्नी जनरल है कि ये जो कानून बने हैं ना संविधान का उल्लंघन करते हैं, ना किसी के मौलिक अधिकार का हनन करते हैं, तो हम कैसे मान लें कि ये कानून गलत है? अटॉर्नी ऑफ जनरल जो है वो सरकार के वकील है। सरकार है या नहीं है? नुमाइंदा किसका? हमारे थोड़ी है, तो बस हमारे नहीं, कोर्ट में यही तो कह रहे हैं, हमारे नहीं है ना। अगर कानून गलत है तो कोर्ट से रद्द कर दे। किसे अब ये कोर्ट के ऊपर डालना चाह रहे हैं ना? जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दी इनका मामला अपना आप निमटाओ, तो जबरदस्ती कोर्ट पे निमटवाना चाह रहे हैं? और कोर्ट का तो हमें पहले से ही वो नहीं, तो बोलने का जबरदस्ती कोर्ट में ये गए। अटॉर्नी ऑफ जनरल किसके व्यक्ति हैं? सरकार के है ना, मेरे वकील थोड़ी किसानों के वकील थोड़ी बाबा हो सके, मुझे ना पता हो सके, मुझे ना पता हो। वो वकील साहब सरकार का पक्ष तो रख रहे हैं, सरकार का पक्ष रख रहे हैं, फिर हम भी तो अपना पक्ष रख रहे हैं, हमारे पक्ष में पहुंच रहे याद आ रहे भाई। तो वही तो कह रहे हैं अटॉर्नी जनरल कि कानून किसी चीज की उल्लंघन नहीं करता। अगर उल्लंघन नहीं करता तो ये इतना देश का किसान यहाँ पड़ा नहीं होता। अगर उल्लंघन नहीं करता तो एक ट्वीट किसी नेता का कैसे नहीं आया? अगर उल्लंघन नहीं करता
तो ये लोग इस बात को क्यों कह रहे हैं संशोधन करो, अगर उल्लंघन नहीं करता तो क्यों इतनी ये कोर्ट में गए थे, सुप्रीम कोर्ट तो में। आपकी वजह से कह रहे हैं सरकार, हमारी वजह से इतनी फिकर, इतनी फिकर, फिकर शायद जब जताते तो अच्छा लगता, यूँ आंदोलन समाप्त हो जाता, कानून रद्द हो जाते, कानून बन जाते MSP पे, जब जताते तो और ज्यादा बढ़िया लगता, अच्छा लगता, दोबारा से आवाज आती युवाओं की, हर हर मोदी, घर घर मोदी। अगर शुरू में ही कर देते ये एक आध तारीख पे ही, एक आध बैठक पे ही अगर कर देते, दोबारा से आवाज आती युवाओं की, जब अच्छा लगता ना, जब महसूस होता कि हमारी फिकर है, इन्हें इतनी फिकर होती किसान इतने शहीद हो गए, उन पे एक ट्वीट ना करे गए, इतनी फिकर है इन्हें, ठीक है। और जो वहाँ पे घर बन गए चाइना में, बन गए ना बन गए, गलत कह रही हूँ, तो वहाँ पे निगरानी करते, अगर हमारे देश की इतनी फिकारी वहाँ काय को निगरानी ना करी, वहाँ घर बनवा दिए, पूरे गांव बसवा दियो, करी काय को ना वहाँ निगरानी, अच्छी बात है, आप यहाँ भी ध्यान दे रहे हो, देना चाहिए, लेकिन वहाँ भी तो ध्यान दो जो घर बन गए, फिकर है यो देश की, फिकर है यो, बिना बिना किसी जान पहचान के फिकर है यो, ये गोस्वामी जी कहाँ चले गए दिख नहीं रहे, यू फिकर है, ऐसे ऐसे व्यक्ति गायब होने लग रहे, ठीक, इतने पॉपुलर व्यक्ति गायब होने लग रहे, इतने हमारे शहीद हुए जवान उनकी शहादत को ठेस पहुंचा के इतने फेमस व्यक्ति गायब हो गए, कहाँ बैठ गए जाके, यू फिकर है, यू फिकर है, तुम्हारी नजरों में फिकर होगी मेरी में ना। गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर चलेंगे या क्या होगा, टैंक चलेंगे, ज्यादा किसको देखेंगे लोग, ट्रैक्टर को देखेंगे, दिल्ली पुलिस ने मना कर दिया, इजाजत कद मना करी, क्या कही है, हम किसी भी कीमत पे इजाजत नहीं देंगे, हमारे किसानों ने क्या कही है, हमारे किसानों ने क्या कही बड़े भाई, क्या कही उनकी भी तो बताया करो, पूरी बात लाया करो, दो रहे अब क्या होगा भाई, पूछ कहा होगा, 26 जनवरी तक बने रहो, जब इतने 56 दिन हो गए, तुम भी देखियो कहा होगा, लेकिन मैडम वही है ना, आपके तो बयान बदल जाते हैं, काय को बदल जाए, मेरे बदल गए, मेरे बयान बदल गए, आपके पूरे आंदोलन के बयान बदल रहे हैं, चेक करे आप पूरी वीडियो भाई, अरे मैडम आपके आंदोलन के, मैंने अच्छा आपके आंदोलन के, अच्छा आपने कहा कि हम पहले राजपथ पे जाएंगे, टैंक की स्पीड और ट्रैक्टर की स्पीड मिलाएंगे, 3 दिन से आप कह रहे हैं कि हम रिंग रोड पे जाएंगे, अब एक बात बताओ, जब हमारे जो मंत्री हैं, ठीक, उन्होंने ये बात कही है कि यहाँ पे जहाँ पे परेड होती है वहाँ पे और असामाजिक तत्व की वो है संभावना, अब थोड़ी सी फिकर किसान नेताओं ने जता के ये बात कह दी रिंग रोड पे करेंगे, तो यू गलत करो, फिकर सरकार तो पहले से कह रही है, सरकार जो पहले से कह रही है बात हम सुन रहे हैं 7 साल से, लेकिन अगर किसानों ने इस बात को ध्यान में रखकर सबकी बात को पूरा आंकड़ा निकाड़ के कह दी कि चलो वहां ना करके रिंग रोड पे चल देंगे, तो कुछ गलत कह दिया यो, ये बात तुम्हारी नजर में गलत होगी, मेरे में ना, आप 26 जनवरी तक बने रहियो, आप हमारी गैल, तुम बने रहियो हमारे साथ, इतने दिन से बने और कष्ट ले लियो, कोई बात ना, आपको भी फर्ज बनता है कि आप देश की सारी चीजें सच दिखा मैं, दुनिया को दिखा मैं, सहयोग करें आंदोलन, तो रिंग रोड पर एक बार कर चुके हैं, कोई फर्क तो पड़ा ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, वो परेड ही कुछ तो था 26 जनवरी जब शक्ति प्रदर्शन तो शक्ति प्रदर्शन का एक होता करा रही, चेक कर रहे ट्रैक्टर जाम हो गए 42-43 दिन से खड़े है, मोमी लाल चेक कर रहे हैं उनका, चला रहे का पता बंद हो जाए, वो परेड थोड़ी 26 जनवरी थोड़ी हुआ दिन, या मुझे ज्ञान कम है, 26 जनवरी तब आएगी। पूनम जी, जो लोक कलाकार हैं सपना चौधरी हरियाणा की, और जो देश के किसान है, युवा किसान है, खासतौर पर काफी गाने सुनते हैं उनके, डांस करते हैं बाकायदा, लेकिन ट्वीट भी नहीं कर पाए हैं किसानों के लिए। अब मैं यूं ही तो, मैंने अभी वो मेरे भाई पूछ रहे थे मेरे से, तो मैं यही तो कह रही थी, क्या कमी रह गई थी इनकी मेहनत में उन्हें उठाने में, कोई कमी थोड़ी रह गई ही, बीजेपी में ना, बीजेपी मायने रखा है, हकीकत सच कोई मायने नहीं रखता, सरकार के साथ में क्या मतलब है, सच को वैल्यू देनी चाहिए व्यक्ति को, इतने दिन हो गए भोगते मुझे कि भैया सच को वैल्यू देनी चाहिए, और आने वाले पीढ़ी में अगर वो आती ना हमारे बीच में, मिस सपना चौधरी जी, मैं हालांकि मेरी तो मैडम रही हैं वो, अगर वो आती ना तो युवा उनका ऐसे स्वागत करता, ऐसे स्वागत करता कि स्टेज पे उनका कभी ना हुआ होगा, अगर वो किसानों के आंदोलन में सहयोग करने आती, ठीक, और इन फ्यूचर अब आप देख लियो, आपने तो उनके साथ में काम किया है, कहा होगा करा या बात, मुकदमा बने करो तो करो, मजबूरी घर चलाना पड़ा, करो काम करो, क्या दिक्कत होगी। मैडम एक बड़े सेलिब्रिटी हैं तो कहा होगा, वीरेंद्र सहवाग जी, वो काफी ट्वीट करते हैं चीजों को लेकर, इस बार उन्होंने भी कोई ट्वीट नहीं किया है, मैंने उनकी ट्वीट चेक ना करी, अगर नहीं करो तो गलत बात है, मैंने चेक नहीं करा उनका ट्वीट। बॉलीवुड कलाकार है अमिताभ बच्चन जी, जो किसान चैनल है उसको ब्रांड एम्बेसडर भी है वो, लेकिन वो भी ट्वीट नहीं कर रहे, पता ना कहाँ गड़बड़ हो रही है, यूँ तो मेरी समझ में भी ना आ रही, क्यों नहीं कर रहे वो, हम तो उन पर इतना भरोसा कर रहे, देखे बिग बी है, पूरी इंडस्ट्रीज के मालिक से समान मानी उन्हें, बिग बी माने जाते हैं वो, और मैं भी, मैंने कहा यार अमिताभ बच्चन जी का उनका कोई ट्वीट ही नहीं आया, कोई बयान नहीं आया, क्यों ना आया, कारण कहा होगा, क्या उन्होंने हमारे देश की रोटी नहीं खाई, क्या उन्होंने हमारे देश का अन्न नहीं खाया, और जब वो ट्वीट करते तो पूरा बॉलीवुड उनको सहयोग करता, बॉलीवुड से सहयोग कम मिल रहा, शायद इसलिए मिल रहा हो कि हमारे बिग बी ने नहीं करा,
आजकल तो यू थोड़ा सिस्टम चला ना कि जो बड़ा आदमी पीछे जा रहा है उनके पीछे चलो, शायद इसलिए नहीं करो। कि तो काफी फोगट बहनें हैं, वो भी काफी ट्वीट करती हैं, वो भी एक ट्वीट नहीं कर रही हैं किसानों के लिए। वे तो फुगाट बहनें जो दंगल मूवी बनी वही ना। अब भैया वो है कौन से उसमें, आप ये तो बताओ, पूरी बात नहीं बताते हो। कहाँ है वो, कहाँ बैठी हुई, किस उसमें बैठी हुई है, जवाब नहीं दे रहे हो, चुप हो गए आप तो। नहीं वो काफी ट्विटर बाजी करती है ना, वो ट्विटर बाजी तो करती है, लेकिन जो फुगाट सिस्टर्स हैं वो उनकी एक बहन है, वो कहाँ है, बीजेपी में है, कहाँ है वो? सरकार में है ना, तो वो क्यों करेंगी, क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं इस बात का डर है कि कहीं बीजेपी से हमारा पद न चला जाए। देखिए ने बता दी भाई ने, आप तो बताने में भी डर रहे हो। मैडम एक बात समझ में नहीं आती, समझ में कैसे नहीं आ रही, तुम तो इतने समझदार व्यक्ति हो वकील साहब। मैडम बताइए, आंदोलन किसी का भी हो, नेता ब्राह्मण क्यों बनता है? ये नई बात, किसी धर्म से जाति से मत जोड़ना मेरे भाई, किसी जात से किसी धर्म से मत जोड़ना इस बात को। और नेता कौन बनगा, कौन ब्राह्मण नेता बनगा, हम नेता बने नजर आ रहे तुमको, नेता बने, नेता के पीछे वो लंबी लंबी गाड़ी। ये खासियत क्या है, कुछ बताओ तो इसके बारे में भाई। यू आंदोलन चल रहा देश का, ठीक यह बात पे आप बिल्कुल मत बोलो, क्योंकि यू किसी धर्म का नहीं चल रहा, पूरे देश का चल रहा, किसान परिवार का चल रहा। मैं भी थोड़ा सा सोच लूंगी, हो सके मैंने वो वेद शास्त्र पढ़े नहीं है, एक आधी पढ़ रखे थोड़े बहुत ही, ज्यादा तो ना पढ़े, पढ़ लूंगी थोड़ा सा, मैं भी इस बात की खोज निकालूंगी क्या मामला। पूनम जी, अजय हुड्डा ने एक गाना निकाला था जिसे ये आंदोलन बहुत ही तेज हुआ है, तो उस पे क्या कुछ कहना चाहोगे हरियाणा से? थैंक यू करना चाहूंगी उन भाई को, और वो टीकरी बॉर्डर पे भी गए थे, वहाँ पे गए थे वो, मैंने ऐसा देखा था फोन में कि वो गए हैं, उन्होंने सहयोग किया है, ठीक है, केडी भी गए हैं, और जो उनको पता है, देखो वो फौजी भी रह चुके हैं, हुड्डा जी फौजी रहे, और आपने देखा उनके जितने भी गाने सारे खेतों में चलते हैं, ज़्यादातर उनके गाने खेतों के ही होते हैं, उनको पता है, क्योंकि उनके फादर साहब भी खेती करते हैं, उनके खेती भी काफ़ी है, उनको पता है कि उन्होंने देश का अन्न खा रखा, किसानों का अन्न खा रखा, अन्न कैसे बुए गए, सारे के सारे ज़्यादातर गाने मैंने उनके खेत में ही देखे हैं। सैल्यूट करूँगी भाई को कि उन्होंने इस गाने को बना करके युवाओं में जोश भरा, धन्यवाद करूंगी उनको, क्योंकि विदेशों तक इसकी मांग की गई, और अच्छी बात है ना भाई, क्यों किस लिए मांग करी जाए, सच बात की मांग करी जाए करे, अब सच्चाई के लिए उन्होंने ये गाना गाया, और हमारे भाई हैं लखा सदाना जी, दीप सिंधु, जिंदाबाद जवानी उन्होंने गाया किसानों के लिए, तो वो भी बहुत पॉपुलर है, क्योंकि उन्होंने सच्चाई से रूबरू कराया था, इन्होंने भी यही काम किया, तो बड़े भाई ने बड़ा अच्छा काम किया, युवाओं में जोश भरा, क्योंकि उनकी फैन फॉलोइंग भी बहुत ज़्यादा है, अच्छी बात है ना किसानों के लिए, क्योंकि उन्हें पता अन्न कैसे उगाया जा, कैसे खाया जा, अब जिन्हें ना पता वे सो रहे हैं, करवट भी ना ले रहे दिखे हैं बाबा। हाँ एक हमने आपकी खबर देखी है, कुछ कमेंट भी आ रहे हैं पर्सनल लाइफ के बारे में, कहा होगा पर्सनल लाइफ में कहा गड़बड़ा मेरी, पुरुष मित्र के बारे में बताया किसी को आपने? मैंने पुरुष मित्र? हाँ। भैया कौन मेरा पुरुष मित्र कौन है, मैंने तो नहीं बताया किसी को, शादी वादी तो बताई, अरे ब्याह कौन नहीं करता, यह बात पे मुकदमा बना के मैं ब्याह करूंगी, फिर ब्याह कौन नहीं करता गजेंद्र भाई, लोगों को जिज्ञासा है ना, जिज्ञासा कैसी है वो, लोग कमेंट करते हैं कि हम शादी करेंगे पूनम जी से, हम शादी करेंगे उस व्यक्ति से जो कभी हमारी आजादी पे रोक न लगाए, कि आज हम उस धरने में गए, आज हमने महिलाओं को सहयोग करा, आज हमने युवाओं को सहयोग करा, कल को रोक न लगा, वैसे व्यक्ति से शादी करेंगे, क्या बार बताओ, मैं कर लेंगे जब ये यहाँ चले जाएंगे बॉर्डर पे, इनकी समस्या का समाधान हो जाएगा जब ही कर लेंगे।